But no violence. Yes, Zainab. Zainab Hamid. Assalamu alaikum, Prime Minister. First of all, a very warm welcome to you. And I think me, myself, and everyone else here is honored to be interacting with you here today. I'm going to proceed with my question. सवाल मैं आपसे उर्दू में करूँगी और सवाल ये है कि हमने अक्सर औकात ये देखा है कि अगर हमने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को हटाना हो या नवाज़ शरीफ साहब को हटाना हो या इवन कि अगर आपने कासिम के अब्बा को गिरफ़्तार करवाना हो तो हमारी अदालतें रात के 12 बजे भी खोल दी जाती हैं, लेकिन जब भी कोई ज़ैनब मर्डर केस या मोटरवे गैंग रेप केस या इस तरह का कोई भी केस होता है तो हमारी अदालतें बंद रहती हैं। नूर मुकद्दम केस पर हमने देखा कि हमारी अदालत question to you is, isn't justice denied, just say justice denied? That's my only question. Thank you for asking in Urdu. Urdu zuban mujhe badi pasand hai. Aisa nahi hai ki main Urdu ki adaigi mein mujhe koi masla hai. Bahut sare log ye samajhte hain ki main apni angrezi dani chhadna chahta hoon. देखो, आपने पूरी बात जो की है, अपने सवाल में अपना जवाब भी मेरे ख्याल में दे चुकी हैं आप। मेरे लिए कहने को बहुत कम छोड़ा है आपने, लेकिन उसके बावजूद मैं कुछ ना कुछ ज़रूर कहूँगा उस पर। ये जो पूरे का पूरा निज़ाम अदल है, इस पर बड़े संगीन सवालात हैं, और जब तक इस निज़ाम अदल को हम एड्रेस नहीं करेंगे, इसमें किसी का अब्बा हो या किसी की अम्मा हो या किसी की बाजी हो या वो ख़ुद हो, महफूज रहना मुश्किल है। यही आपको प्रोटेक्ट करता है ना ये निज़ाम, और वो चंद रहनुमा उसूल होते हैं आपके। मसला यही है कि कासिम के अब्बा जब ख़ुद होते हैं ना, तो उनको हमीद की अम्मा बिल्कुल नज़र नहीं आ रही होती। वो नाउंस के झगड़े में फंस जाते हैं। जब तक मैं हूँ आज तो मुझे सब कुछ दुरुस्त नज़र आ रहा है, जब कल आप इस जगह पे होंगी तो वो मुझे दुरुस्त नज़र नहीं आ रहा होगा। एक तो इस रवैये से तब्दीली की ज़रूरत है, और सेटल्ड होना होगा उसूलों पे, प्रिंसिपल्स पे, कि चाहे उसका इतलाक़ मुझ पे हो या आप पे हो, फिर वो यकसां हो। हमारा बुनियादी मसला यही है कि अगर रियासत के चंद इदारे उनसे मैं मुस्तफीद हो रहा हूँ तो मैं उनको वालिद का दर्जा देना शुरू कर देता हूँ, दिया है ना। जब मुस्तफीद नहीं हो रहा होता हूँ तो फिर शायद सौतेला बाप बना लेता हूँ। ये वो मसाइल हैं जो सब्जेक्टिव अंदाज में हम तमाम को इस पर सोचना चाहिए, बोलना चाहिए, गौर करना चाहिए। अगर वाक़ियतन उनको वालिद नहीं बनाना तो वंस एंड फॉर ऑल फैसला कर लो और फिर खुद वालिद बनो। वालिद जब घराने की सरबराई करता है ना, तो जिम्मेदारी लेता है वो, फिर बच्चों के नान नफके का तमाम की तमाम जिम्मेदारी खुद उठाता है वो। फिर हमसाए में हमीद के वालिद से नहीं कहता कि यार जरा मेरे बच्चों का ख्याल रख दे। अगर हमीद के वालिद की तरफ देखे रहोगे ना, तो कासिम के अब्बा का मसला ज़रा ख़राब ही रहेगा। ये इस्तेहारी गुफ्तगू है, क्योंकि आपने इस्तेहारे में की है इसलिए मैं जवाब भी उसमें दे रहा हूँ। खुल के पूछा हो तो मैं खुल के बताता हूँ। Thank you so much, Your Excellency. My name is Umar Khan, and I'm a seventh semester student from the School of Computer and Information Technology. So a lot of students like myself